नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की ओर। राज दरभंगा के कारण ही मिथिला में साहित्यिक माहौल महामहिम। महामहिम के आगमन से खेल का स्तर और शैक्षणिक माहौल बदलेगा। कपिलेश्वर, युवा के पूर्वजों के बदौलत ही साहित्य परंपरा यहां कायम है। उक्त बातें महामहिम सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 3 दिवसीय चंद्रगुप्त मौर्य साहित्य कार्यक्रम उद्घाटन के अवसर पर दरभंगा के रामबाग स्थित राज परिवार के युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह के यहां पधारे। रामबाग में लगभग 1.5 घंटा रुके और कुमार के साथ साथ राज परिवार से जुड़े कई सदस्यों से बातचीत की। वार्ता के दौरान उन्हें राज दरभंगा के भारत के विकास और शैक्षणिक तथा आर्थिक योगदान के विषय में अवगत कराया गया। उन्होंने दरभंगा में संबंधित कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की। सर्वप्रथम कुमार द्वारा उन्हें पाक चादर एवं राज परिवार का प्रतीक चिन्ह मछली का मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। तदुपरांत उन्हें राज परिवार से संदर्भित पुस्तकें भेज की गई। वार्ता के दौरान महामहिम ने कहा, बेहतर शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय का आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण है, जिसमें खेल सबसे अहम हिस्सा है और खेल के लिए अच्छी सुविधा और सुसंगत मैदान होना अति महत्वपूर्ण है। महामहिम ने जोर देकर कहा कि शिक्षा अथवा खेल के विकास के लिए राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह ने अनुरोध किया कि आपके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम ही इस क्षेत्र के दोनों विश्वविद्यालय की नीति बदल सकते हैं, क्योंकि खेलने के लिए यहाँ एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का मैदान उपलब्ध नहीं है, जबकि उनके पूर्वजों द्वारा आज से 50 वर्ष पहले तक यहाँ पोलो, लॉन टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट आदि कई खेलों का समायोजन हुआ करता था। यह मेरे पूर्वजों की ही देन है। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा यहाँ होने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, कई ऐसे खेल जो आज भी प्रचलित हैं। महामहिम ने अपनी आतुरता को दर्शाते हुए बताया कि मुझे राज परिवार के विषय में जानने की बहुत उत्कंठता है तथा मेरी यह प्रबल इच्छा है कि रात्रि विश्राम एक दिन मैं यहीं करूं, क्योंकि दरभंगा राज परिवार के 400 वर्षों के इतिहासों को समझने तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदानों की विवेचना करना बहुत मुश्किल है। बेहतर यही होगा कि साहित्य के माध्यम से यहां के महाविद्यालय विभागों के पठन पाठन में इस विधि को अपनाया जाए। इस दौरान अवकाश प्राप्ति वरिष्ठ खेल पदाधिकारी IIT मुंबई तथा राज परिवार के डॉक्टर शिवनाथ झा ने खेलों में राज परिवार का महत्वपूर्ण योगदान के विषय में उन्हें बताया। साथ ही कई खेल जो आज उपेक्षा के शिकार हैं, उन्हें नई गति सीमा देने की जरूरत है। विश्वविद्यालय के सीनियर सदस्य तथा राज परिवार के जानकार डॉक्टर संतोष कुमार ने भी महामहिम से विश्वविद्यालयों के लिए विशेष स्नेह एवं यहां फिर पधारने के लिए अनुरोध किया, जिससे एक नए माहौल बने। भाजपा के वरिष्ठ नेता, मिथिला अध्ययन केंद्र के सचिव रंगनाथ ठाकुर ने राज परिवार के योगदानों को विशेष महत्व राष्ट्रीय स्तर तक दिया, जिससे उनके द्वारा किए गए कार्यों की आम जनमानस तक पहुँचाया जा सके। विद्यार्थी परिषद के प्रांत सहमंत्री उत्सव परासर ने महामहिम से अनुरोध किया कि आपके शैक्षणिक वार्तालाप से बिहार के विश्वविद्यालयों में एक अलग माहौल बना है। उम्मीद है कि आपकी पैनी निगाह इस क्षेत्र में कायम रहेगी। उक्त अवसर पर डॉक्टर मित्रनाथ झा, डॉक्टर हेमपति झा आदि ने भी महामहिम को राज दरभंगा के कृत्यों से अवगत कराया। दरभंगा से नवीन कुमार की रिपोर्ट। महोत्सव का कार्य आयोजन गत वर्ष से हो रहा है और मेरा सौभाग्य रहा कि गत वर्ष के प्रारंभिक कार्यक्रम में मैं उपस्थित था, जो पटना में हुआ था। आज भी यह कार्यक्रम यहां हो रहा है, ऐसी ऐतिहासिक धरती पर मुझे युवराज कपिलेश्वर के साथ बैठने का सौभाग्य मिला, उनके राजवाड़े पर, उनके घर पर, निवास पर। तो उस समय भी बहुत सारी बातें ध्यान में आ गई कि यह धरती कितनी श्रेष्ठ है, कितनी समृद्ध है, और इसी को ध्यान में रखकर युवराज के अपने उनके पूर्वजों ने इस धरती की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के इतिहास को संजो कर रखने के लिए कितने बड़े प्रयास किए हैं। हम जिस परिसर में यहां यह कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां 2 विश्वविद्यालय स्थित हैं और दोनों विश्वविद्यालय अपने अपने ढंग से यहां की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे इस पावन धरती पर, माहौल में, वातावरण में हम यह
साहित्य सम्मेलन कर रहे हैं, इसको महोत्सव का कहा गया है। स्वाभाविक है, महोत्सव का अर्थ यह होता है थोड़ा उत्सवी वातावरण होता है, उत्सव भी होता है उत्साह भी होता है, और उत्साह और उत्सव जब मिलता है तो हमारे देश के लोग इतने उछल जाते हैं कि मानो यह मेला हो गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसको मेला का भी संबोधन दिया था, लेकिन मैं इसको सम्मेलन करना कहना चाहूंगा। मैं गोवा की धरती से आता हूं और उसके बगल में वहां महाराष्ट्र भी है, वहां अपनी भाषा के मराठी साहित्य सम्मेलन गोवा में भी होते हैं और महाराष्ट्र में भी होते हैं। उन सम्मेलनों में जाना, उनके वहां उपस्थित होना भी मेरा बहुत वर्षों से कार्यक्रम रहा है। एक विशेष व्यक्ति के तौर पर नहीं, साहित्य में रुचि रखने वाला एक छोटा साधारण व्यक्ति के रूप में इन सम्मेलनों में जाना चाहता हूं मैं। आजकल इन दिन ऐसे जाना मेरा बहुत कम हुआ है मेरे पद के कारण, परंतु यहां आने के बाद मुझे फिर से वही वातावरण देखने को मिला। वहां के साहित्य सम्मेलन और यहां के साहित्य महोत्सव, इसमें बहुत सारे अंतर हैं। आयोजकों ने वहां के साहित्य महोत्सव के बारे में कुछ देखना पड़ेगा और यहां हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार भी करने की आवश्यकता है। मैं आपकी कार्यक्रम पत्रिका देख रहा था और कार्यक्रम पत्रिका में बहुत सारे विषय यहां अंतर्भूत किए गए हैं और इन सभी विषयों पर यहां चिंतन होने वाला है, मंथन होने वाला है, मनन होने वाला है, और इस पर आप सभी कुछ सत्र तो समांतर सत्र भी हैं, परंतु आप अपना अपना विचार यहां रखेंगे जो पिछले अनेक वर्षों का मंथन है, चिंतन है, और आने वाले समाज के लिए एक नवनीत देकर हम यहां से जाएंगे। यही भावना मैंने पिछले गत वर्ष के सम्मेलन में व्यक्त की थी कि इसका नवनीत सबके सामने आना चाहिए। मुझे पता नहीं वो नवनीत कहां गया, परंतु इस बार भी मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि जो चिंतन मनन मंथन होने वाला है अनेक विषयों को लेकर, उसका एक पुस्तक रूप में, स्मारिका के रूप में सबके सामने आने की आवश्यकता है। तब जाकर कोई ना कोई इस पर चिंतन करेगा, देखेगा, मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति भी उसको कभी भी इस पुस्तक के पन्ने इधर उधर करेगा तो पता चलेगा कि हमको आने वाले समय में क्या करने हैं। देश भर में ऐसे बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, उत्सव होते हैं, बहुत चर्चा जानबूझकर की जाती है। वो एक सम्मेलन होता है जयपुर फेस्टिवल, जयपुर फेस्टिवल की बहुत चर्चा होती है। आप में से आप सभी विद्वत जन है, साहित्यिक हैं, आप जानते होंगे कि जयपुर फेस्टिवल का क्या अपना उसका तजुर्बा है, उसका क्या स्तर है। जयपुर फेस्टिवल बिल्कुल अलग विचारधारा के लोगों के लिए प्रसिद्ध है और वहां जाकर उस फेस्टिवल को लिटररी फेस्टिवल कहते हैं, जयपुर लिटररी फेस्टिवल। वहां जाकर किस विचारधारा को सामने लाने का प्रयास होता है आप सब जानते होंगे। अनेक बार भारत विरोधी विचारधारा वहां आती है, और ऐसे फेस्टिवल केवल एक जयपुर होता है ऐसा नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो सोलन के आसपास होता है। वो ऐसे ही लोगों का फेस्टिवल होता है, नाम उसको लिटररी फेस्टिवल दिया जाता है, परंतु भारत विरोधी विचारों का वहां पनपना ये उनका स्वाभाविक कार्यक्रम होता है। इस पर चर्चा करना
और लोगों के सामने हम भारत की अपनी संस्कृति मानव विरोधी कैसी है इसको आगे लाने का प्रयास होता है। इन सब को सामने रखकर प्रस्तुति अन्य सभी इसकी, उसके पूर्व एक छोटा सा नाट्य मंचन हुआ आर्य चंद्रगुप्त को लेकर, आर्य चाणक्य को लेकर, और हम सब समाज के सामने क्या रखना चाहते हैं उस नाट्य छोटे सी उस एक स्क्रिप्ट के द्वारा सबके सामने रखने का प्रयास हुआ। क्या ऐसी स्क्रिप्ट जो होती है या साहित्य का भाग हो सकती है? महाराष्ट्र में नाट्य की बहुत बड़ी परंपरा है नाटक की, और ऐसे बहुत सारे नाटक आए हैं जो समाज को हमेशा प्रबोधन करते रहे हैं, समाज के सामने सामाजिक विषयों का चिंतन मंथन रखता है। ऐसे सभी नाटकों की, जैसे कि नट सम्राट है, वीर सावरकर है, ऐसे अनेक सभी नाटक, पुराने जमाने के गोविंद बल्ला देवल के नाटक है, मानाप्पा नाटक है, कालिदास के शाकुंतल के ऊपर लिखे हुए नाटक है, इन सभी नाटकों की जो संहिता होती है, लेखक लेखन होता है, क्या वह हमारे साहित्य का भाग बन सकता है? बनने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता है। वहां और एक परंपरा है कथा कथन की, मुझे पता नहीं हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, जिसे स्टोरी टेलिंग कहते हैं, स्टोरी टेलिंग। महाराष्ट्र में अनेक साहित्य सम्मेलनों में स्टोरी टेलिंग का कार्यक्रम होता है, कथा कथन का कार्यक्रम होता है, जिनके हमने बहुत सारे ऐसे कथा कथन के कार्यक्रम सुने, वो लिखित रूप में कथा होती है उनके पुस्तकों में, और वो बाद में और सबके सामने वही लेखक जिन्होंने ये कथा लिखी है सबके सामने अपना कथन करता है। महाराष्ट्र के जाने माने वेंकटेश माडगुळकर, वपू काळे, और अपने विद्यार्थी परिषद के भी अध्यक्ष रहे दमा मिरासदार, ऐसे अनेक लोगों ने इस पर बहुत अच्छे संस्कार किए हैं। समाज के सामने सामाजिक चिंतन रखने का ये एक अच्छा माध्यम है, क्या यह भी हमारे साहित्य का भाग हो सकता है? चिंतन करने की आवश्यकता है इस पर भी। 2 वर्ष पूर्व शिमला में एक बहुत बड़ा संगीत साहित्य महोत्सव हुआ था, मुझे वहां जाने का अवसर मिला। उसमें जाने माने गीतकार, शायर, जिनको हम जानते हैं सभी लेखक, उनकी स्क्रिप्ट जो है वो साहित्य का भाग होना चाहिए, नहीं तो साहित्य से एक फिल्म का भाग है ऐसा छोड़कर हम उसको बाजू में नहीं रख सकते। ऐसे अनेक विषयों पर चिंतन मंथन होने की आवश्यकता है। हमारा चिंतन हजारों वर्षों से जो आया हुआ है वो भारतीय स्त्री को किस दिशा में देखना चाहता है, नारी का क्या स्थान है, इस पर भी एक सत्र है यहां। मुझे लगता है कि हमारी खेल कूद की प्रतियोगिताएं होते हैं उस पर क्या चिंतन हो सकता है, नाटक कैसे हो सकता है, संगीत कैसे हो सकता है, इन सब का चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। साहित्य सम्मेलन या साहित्य महोत्सव कहें, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव, क्या इस दिशा को तय कर सकता है, करने की आवश्यकता है। हम क्या करने जाने वाले हैं? आने वाला समय हमारी राष्ट्रवादी विचारों को, तथ्यों को सामने रखने का समय है। साम्यवादी विचारों की यहां हम चर्चा नहीं करेंगे, लेफ्टिस्ट लोग किस ढंग से इसको प्रस्तुत करते हैं इस पर हम चर्चा करने हमें आवश्यकता भी नहीं है, परंतु आवश्यकता यह है कि हम किस ढंग से इसको आगे रखेंगे। यह इस प्रकार के साहित्य सम्मेलन हर बार, हर देश, हर प्रदेश में होने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने देखा कि कन्नड़ साहित्यिक थे, कन्नड़ साहित्यिक जिन्होंने आवरण पुस्तक, आवरण उपन्यास लिखा,
उस आवरण का हर भाषा में जाने की आवश्यकता है। क्या हम उस विषय को यहाँ चर्चा के स्वरूप में सबके सामने ला सकते हैं? ऐसे अनेक विषय हो सकते हैं अनेक भाषाओं के। यह सम्मेलन केवल हिंदी साहित्य का ही सम्मेलन होना नहीं चाहिए। अनेक भाषाओं में जो अच्छी अच्छी साहित्य कृतियां हैं, काव्य है, कविता है, लेखन है, नाटक है, इन सबको हमने यहाँ सम्मिलित करने का प्रयास होना चाहिए। तब जाकर हम सबको पता चलेगा कि दक्षिण भारत में भी इस विचारों को, जिस विचारों को हम यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं, इस विचार के बारे में क्या हो रहा है, अपने पूर्वी भारत में, पश्चिम में क्या हो रहा है, अलग अलग भाषाओं में क्या हो रहा है। तब जाकर भारतीय भाषाओं का अभिरुचि संपन्न अभिजात स्वरूप सामने आएगा। केंद्र के सरकार ने अभी 4-5 भाषाओं को अभिजात साहित्य, अभिजात भाषा का एक दर्जा दिया है। इन सभी प्रयास कौन करने वाले हैं? अभिजात दर्जा कब आता है? अभिरुचि संपन्न साहित्यिक जब होते हैं, अभिरुचि संपन्न जब लोग होते हैं, सुनने वाले, पढ़ने वाले होते हैं, तब जाकर भाषा का स्तर बढ़ता है, तब जाकर भाषा अभिजात बन जाती है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। हिंदी भाषा में ऐसा अभिजात स्वरूप आएगा क्या? यहां अपने बिहार में अनेक सारी भाषाएं बाकी होती हैं, भोजपुरी होती है, मगधी होती है, मैथिली होती है, इनमें से कुछ भाषाओं में कुछ इसके लिए प्रसिद्ध हो गई हैं या कुप्रसिद्ध हो गए हैं कि उनमें कुछ अलग से अश्लील भाग आने लगे हैं। भोजपुरी भाषा को देखेंगे तो बाहर इसी दिशा में, इस दशा में इसको देखा जाता है। क्या इस पर हम चिंतन करके इस भाषा को पुनः एक बार शुद्ध करके विशुद्ध ऐसे राष्ट्रवादी विचारों की भाषा ऐसा रख सकते हैं? रखने की आवश्यकता है। इस दिशा में यह सम्मेलन काम करेगा ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा विचार है कि सम्मेलन हम हर वर्ष करेंगे, हर बार करेंगे, लेकिन सम्मेलन का स्तर, महोत्सव का स्तर हर वर्ष बढ़ाएंगे भी, यह संकल्प करके यहां से जाना है। केवल पिछले वर्ष की तुलना में नहीं, अनेक विषयों को लेकर, अनेक सम्मेलनों को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प हम करेंगे और सम्मेलन का स्तर आगे बढ़ाते रहेंगे। मैंने कुछ इधर उधर मेरे मन में जो बातें आ गई आपके सामने रखने का प्रयास किया। वैसे आप सभी विद्वत जन हैं, साहित्यिक हैं, इन सभी साहित्यिकों के माने उनके सामने मेरा विचार, मैं जानता हूं बहुत ही साधारण विचार है, मैं साहित्यिक नहीं हूं, साहित्य का कुछ भी लेश मेरे पास नहीं है। मेरा काम इतना है कि यहां खड़ा रहकर आपको कुछ बातें बता देना और बात आप चिंतन, अगर हो सके तो चिंतन करें, हो सके तो मंथन करें, समाज के सामने पुनः आपके विचारों के साथ सजाए धुजाए ऐसे करके आप रखेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज़, आपकी आवाज़।